जय महाकाल मेरे भाइयों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने छोटे भाई के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नवीन तंबोली के बारे में, जो कि दुर्लभ कश्यप की गैंग का सबसे छोटा गैंग मेंबर कहलाता है। लेकिन आज के टाइम में जितनी पहचान नवीन तंबोली की है, उतनी पहचान कोई की नहीं है। मैं बता दूं, नवीन तंबोली जो कि दिन ब दिन कोई ना कोई अपराध को अंजाम देता ही जा रहा है। अच्छा, ऐसी एक अपराध भरी जानकारी नवीन तंबोली के बारे में हमको मिली है। वो खबर आपको सुनाने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर लें, और आपने छोटे भाई की वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद दुर्लभ कश्यप के गैंग मेंबर्स ने बहुत ट्राई करा दुर्लभ कश्यप की मौत का बदला लेने की। हालांकि किसी में इतना दम नहीं था कि वह दुर्लभ कश्यप की मौत का बदला ले सकें, क्योंकि आपने ये बात तो सुनी ही होगी, ऑन द स्पॉट जो होता है तो हो जाता है, उसके बाद तो सिर्फ राजीनामा ही होता है। बात तो सही है। फिर चाहे वो चैन सीके हो या फिर राजदीप मंडलोई, जैसा कि चैन सीके के साथ हुआ, चैन सीके ने अपने दोस्त का साथ तो दिया लेकिन अपने भाई जैसे दुर्लभ कश्यप का साथ नहीं दिया, बल्कि दुर्लभ कश्यप को और गालियां दी, क्योंकि चैन सीके को ऐसा लगता है कि दुर्लभ कश्यप की वजह से उसकी आज ये हालत है। हालांकि इस वीडियो में हम चैन सीके की ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये सब तो पता ही होगा कि चैन सीके ने कितना बड़ा दगा दिया है दुर्लभ कश्यप को। दुर्लभ कश्यप पे पूरा इंजाम डाल करके कि दुर्लभ कश्यप ने ही चैन सीके की लाइफ बर्बाद करी है। कुछ भी। बाकी अगर बात करी जाए दुर्लभ कश्यप के दूसरे जिगरी यार की, जिसका नाम था राजदीप मंडलोई, राजदीप मंडलोई ने दुर्लभ कश्यप का साथ तो बचपन से ही निभाते आ रहा है। मैं बता दूं, राजदीप मंडलोई और दुर्लभ कश्यप की जोड़ी को अगर जेबरजू की जोड़ी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राजदीप मंडलोई और दुर्लभ कश्यप ने एक साथ रहकर बहुत सारे कांडों को अंजाम दिया था, लेकिन दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद राजदीप मंडलोई ने कोशिश तो करी थी लेकिन वह इस चीज में नाकाम रहा। हालांकि मैं बता दूं, दुर्लभ कश्यप की मौत पर राजदीप मंडलोई मौजूद था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजदीप मंडलोई और उसके दोस्त सारे लोग वहां से दुर्लभ कश्यप को अकेला छोड़कर भाग गए। अब चलो, जो भी हो, बात तो करेंगे अपन नवीन तंबोली के बारे में। नवीन तंबोली जो कि दुर्लभ कश्यप की गैंग का एक बहुत छोटा मेंबर था, नवीन तंबोली बचपन से ही दुर्लभ कश्यप का बहुत तगड़ा फैन रहा है। मैं बता दूं, नवीन तंबोली ने बहुत छोटे में दुर्लभ कश्यप का हाथ थाम लिया था, और नवीन तंबोली ही वो शख्स है जिसने दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद सबसे ज्यादा दुख जाया करा था। हालांकि आज के टाइम में भी नवीन तंबोली दुर्लभ कश्यप की मौत का बदला लेने के लिए कई तरीके के तरीके आजमाता है, लेकिन वह नाकाम है। केकेसी गैंग के सहनेवाज से बदला लेने की, लेकिन सहनेवाज आज के टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। सहनेवाज ने भी उज्जैन के अंदर वही नाम कमा लिया है जो कभी दुर्लभ कश्यप ने कमाया था। मैं बता दूं, सहनेवाज की गैंग भी आज धीरे धीरे करके बहुत बड़ी हो चुकी है, जिस कारण से अगर कोई चाहे भी तो दुर्लभ कश्यप का बदला सहनेवाज से नहीं ले पाएगा। हालांकि सहनेवाज को कानूनी तरीके से सजा मिल चुकी है, लेकिन सहनेवाज आज के टाइम में खूब खुला घूम रहा है, जिसके वजह से दुर्लभ कश्यप की गैंग मेंबर्स और दुर्लभ कश्यप के कुछ फैंस का खून खोलता रहता है। लेकिन वह सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। नवीन तंबोली जो कि दुर्लभ कश्यप की गैंग का छोटा मेंबर होने के साथ साथ आज के टाइम में जो कि दुर्लभ कश्यप की गैंग को चला रहा है, और तो और नवीन तंबोली भी उज्जैन के अंदर अपनी पहचान बढ़ाते जा रहा है। मैं बता दूं, नवीन तंबोली को आज के टाइम में 20,000 लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं, और तो और नवीन तंबोली की अब ऐसे लोगों से भी पहचान है जिनके बलबूते पे वह दुर्लभ कश्यप की मौत का बदला सहनेवाज से ले सकता है। और हाल ही में सुनने में ये आ रहा था कि नवीन तंबोली ने केकेसी गैंग के एक गैंग मेंबर की बहुत बुरी तरीके से अशोक नगर में पिटाई कर दी है, जो कि बस स्टैंड के पास में मौजूद है। इस बात पर बहुत से लोग यकीन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब बातें बिल्कुल झूठ हैं, फेक हैं, क्योंकि नवीन तंबोली ने बहुत टाइम से किसी भी तरीके के अपराध को अंजाम नहीं दिया है, क्योंकि नवीन तंबोली समझ चुका है बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। भले ही आज के टाइम में नवीन तंबोली की बहुत ज्यादा पहचान हो गई हो, या नवीन तंबोली की ऐसे लोगों से भी पहचान हो जो कि दुर्लभ कश्यप की मौत का बदला लेने में नवीन तंबोली की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आगे चल के कोई भी लड़ाई होगी, क्योंकि कानून उज्जैन के अंदर बहुत ज्यादा सख्त कर दिया गया है। क्योंकि जब से दुर्लभ कश्यप की मौत हुई है उसके बाद से उज्जैन के अंदर दुर्लभ कश्यप के चाहने वाले बढ़ते जा रहे हैं, और अपराध होने की संभावना भी बढ़ती जा रही है। इस कारण से पुलिस को सख्त आदेश है उड़ते हुए बदमाशों को जमीन पर पटकने के। और तो और पुलिस से ही मतलब नहीं है, आज के टाइम में ऐसा कोई बचा ही नहीं है जो कि दुर्लभ कश्यप का बदला ले सके, क्योंकि हर किसी को अपनी जिंदगी में अपने अपने काम होते हैं। अगर डी कंपनी पूरी मिलकर भी चाहे तब भी दुर्लभ कश्यप की मौत का बदला नहीं ले सकती। ये सारी बातें सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती हैं कि दुर्लभ कश्यप की गैंग ऐसा कर देगी वैसा कर देगी। बात सही तो ये है मेरे भाई की, अब कोई कुछ कर ही नहीं सकता, अब जब भी होगा सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही होगा, और आप भी इस बात को अच्छे से लिख लो।
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। बाकी आपका दिल साफ हो तो कमेंट में जय श्री महाकाल लिख देना।